रेल सड़क पुल का उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 दिसंबर असम के दिब्रुगढ़ के जिले में ब्रह्मपुत्र नदी पर बने देश के सबसे बड़े रेल सड़क पुल का उद्घाटन किया। 4.94 किलोमीटर लंबे पुल का दिब्रुगढ़ में फीना काटकर उद्घाटन किया। वह पुल के दूसरे छारे पर स्थित धीमाजी में एक जनसभा संबोधित किए। इस पुल के पूरा होने में 2 दशक से अधिक का समय लगा। बीजी बड़ी लाइन ट्रैक पर डबल लाइन और सड़क के 3 लेन के साथ निर्मित यह पुल देश के अधिकांश पूर्वोत्तर इलाके के लिए जीवन रेखा होगी। यह असम के और अरुणाचल प्रदेश के पूर्व क्षेत्र में ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तर और दक्षिण तट के बीच संपर्क में मददगार होगा। यह बोगीबील पुल असम समझौते का हिस्सा रहा है और इसे 1997-98 में अनुशासित किया गया था। इस पुल का अरुणाचल प्रदेश में भारत चीन सीमा पर रक्षा सेवाओं के साथ आड़े वक्त में खास भूमिका निभा सकता है। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा ने 22 जनवरी 1997 को इस पर पुल की आधारशिला रखी थी, लेकिन इस पर काम 21 अप्रैल 2002 को तत्कालीन अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के समय में शुरू हो सका। पुल के शुभारंभ की तारीख का दिन 25 दिसंबर वाजपेयी की वर्षगांठ का भी दिन है। परियोजना में अत्यधिक देरी के कारण इसकी लागत 85% की बढ़ोतरी हो गई। शुरुआती में लागत 3230 करोड़ रुपए थी, जो बढ़कर 5960 करोड़ रुपए हो गई। इस बीच पुल की लंबाई भी इस पहले की निर्धारित 4.31 किलोमीटर से बढ़कर 4.94 किलोमीटर कर दी गई। परियोजना के रणनीतिक महत्व को देखते हुए केंद्र सरकार ने इस पुल के निर्माण को 2007 में राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया था। इस कदम के बाद से धन की उपलब्धता बढ़ गई और काम भी बड़ी तेजी से आगे। तो खबरों में आज के लिए इतना ही। MNS न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए MNS हिंदी ऐप आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब शेयर लाइक करना ना भूले। तब तक के लिए धन्यवाद।